वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यार मैं ना सो के उठी हूँ इसलिए मेरी आंखें ऐसी हैं। आज मैं ना थोड़ा लेट हो गई, आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है, ठीक है? और लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैंने सोचा आज अपना ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जॉब का फर्स्ट डे कैसा रहेगा। कपड़े शपड़े अपने ब्रश कर लिए हैं, अब नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। ये है जी मेरा आउटफिट ऑफ द डे, देखते हैं ये पहन के कैसा लगेगा, ठीक है? लेट्स सी, मैंने इसको प्रेस कर लिया है, अब देखते हैं। यहाँ पे जो है ना वो मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था, तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो आउटफिट ऑफ द डे आपको दिखा दिया है। उसके बाद मेरा रिक्शे वाला आ गया था और बस फिर मैं जल्दी से जो है ना वो रिक्शे में बैठ गई। यहाँ पे फिर मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि रिक्शे में ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, जॉब का फर्स्ट डे जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। फिर जी हम ऑफिस पहुंच गए हैं, यहाँ पे मेरा जो है वो कैबिन है एक साइड पे और सामने जो है वो लड़के काम करेंगे। और बस दिन भी अच्छा था, उसके बाद फिर मुझे चाय वाय का पूछा उन्होंने। ओके, तो हम ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऊँची नहीं बोल सकती क्योंकि लड़के काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा गुजरता है। हमारा फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। बाकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। उन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन लिख दें, और बस मुझे एप्लीकेशन लिखनी है और बस आज का मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी हैप्पी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ, देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट डे था तो काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, ऑब्वियसली मैं लर्न करना शुरू करूँगी। अभी एक दो दिन मुझे लग जाएंगे, थोड़ा सा मैं सीखूँगी कि क्या काम करना है, कैसे करना है। और बस फिर किचन से जो है वो मेरे लिए चाय आ गई थी, और चाय जो है वो मैंने उनको बता दिया था कि मैं कैसी पीती हूँ। वैसे मैं अमूमन मैंने उनको बता दिया कि गर्मियों में चाय नहीं पिया करूँगी, और अगर पीऊँगी तो एक टाइम कभी कभी पी लिया करूँगी। और बस फिर चाय आ गई, चाय मैंने पी ली थी। ओके गाइस, अब मुझे सुबह से आए हुए ऑलमोस्ट 12 हो गए हैं, यहाँ पे 12 o'clock, और अभी मेरी चाय आ गई है। चाय जो है ना वो मैंने अपनी वाइंड अप कर ली है। मैं वैसे बेसिकली चीनी नहीं पीती, लेकिन इन्होंने मुझे चीनी दी है, आज मेरा फर्स्ट डे है। तो मैंने इनको कहा है कि मुझे शक्कर वाली चाय बना दीजिएगा। वैसे मैं गर्मियों में चाय पीती ही नहीं हूँ, तो आज क्योंकि ऑफिस है तो आपको पता है जब बंदा काम शाम करना शुरू हो जाए फिर उसको चाय की तलब होती है। तो आज मैंने चाय पी तो ली है, लेकिन मैं सब्ज़ इलायची के बगैर भी चाय नहीं पीती। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अब मैं इनको बताऊंगी कि मुझे इलायची वाली चाय चाहिए और मुझे चाय में शक्कर भी चाहिए। और दिन मेरा अच्छा गुजर रहा है, आई होप सो कि आगे भी सारा कुछ अच्छा अच्छा गुजरे। जो अब लंच ब्रेक है वो मेरे ख्याल में अब होगी मेरी 1 से 2, तब मैं नमाज़ पढ़ूंगी और फिर जो है वो लंच का टाइम हो जाएगा। और 5 o'clock मुझे जो है वो ऑफिस का टाइम मेरा ऑफ का है, और फिर जी हम घर जाएंगे और बस यही कुछ चल रहा है। ओके, सो लाइट्स यहाँ पे थोड़ी कम कर दी हैं क्योंकि लड़के जो हैं वो लंच टाइम पे जा चुके हैं, और अभी मैंने वज़ू कर लिया है और मैं नमाज़ पढ़ूंगी, और नमाज के बाद जो है वो हमारा लंच टाइम है और फिर मैं लंच करूंगी। देन सी यू गाइस। अच्छा जी, नमाज हमने पढ़ ली है, लड़के सारे जो हैं वो अपना लंच करने जा चुके हैं, और तुम लोगों की बहन को कोई काम नहीं है। ये देखो फर्स्ट डे है और मैं सिर्फ ड्राइंग बना रही हूँ, बट आई होप सो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा काम सीख जाऊँगी और फिर काम भी करेंगे इंशाल्लाह। और अब जो है लंच का वेट हो रहा है, बस लेट्स सी कि क्या है लंच में और हमने लंच करना है। और तब तक के लिए आप सब लोग मुझे कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोग देख लें। और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है, माड़े बंदे ने भी सपोर्ट कर दिया करो। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और 3-4 चीज़ें और भी करते होते हैं, लाइक शेयर कॉमेंट
और शेयर, हाँ लाइक शेयर और कमेंट मेरी वीडियोस पे, ये भी करना है आप लोगों ने। और मैं ना आज घर से कुछ भी नहीं लेके आई, बस ये एक पानी वाली बॉटल लेके आई हूँ स्टारबक्स की। शशके है ना, बस थोड़े से दिखाना भी तो है ना कि हम बहुत अमीर हैं। नहीं जी, हम बिल्कुल अमीर नहीं हैं, माड़े बंदे हैं हम। अगर बहुत अमीर होते तो इस तरह जॉब ना करते, हम कोई अच्छा बिजनेस कर रहे होते। लेकिन जो अल्लाह ताला लिखता है आप इंसानों के लिए और सबके लिए, हम इंसानों के लिए, वो हर चीज़ बेहतर से भी बेहतरीन होती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको जहाँ पे भी, यानी कि अल्लाह ने रखा हुआ है। जब कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो अपने से नीचे लोगों को देखा करें कि वो किस हाल में है। और जब यानी कि सब्र करना हो ना, तो फिर आप देखा करें कि यानी कि मतलब आपसे बुरे भी लोग हैं, पता नहीं लोगों के कितने कितने दुख हैं। इसलिए हमेशा शुक्र करना चाहिए, और सब्र और शुक्र करने वाला दोनों जन्नती हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे ना ये सब्र और शुक्र से मुझे स्टोरी याद आई है। हमारे पंजाब कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, FSC प्री मेडिकल मैंने पंजाब कॉलेज से किया है। तो वहाँ पे ना हमारे एक सर होते थे, सर सईद, शायद वो मेरी वीडियो अगर देख लें तो सर मुझे आपकी ये बात याद है। सर हमें कहते थे कि बेटा जो शादी है ना, वो हमेशा कोजे बंदे से करो। यानी कि वो, उनका कहना था कि जो बीवी है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए, और बंदा जो है ना वो थोड़ा कोजा होना चाहिए, यानी कि सोना ना बंदा। उसका वो रीज़न ये देते थे कि जो बीवी है वो सारी उम्र सब्र कर लेगी अपने कोजे बंदे को देख के, और जो यानी कि बंदा होगा ना वो शुक्र अदा करेगा कि मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। तो वो फिर बाद में कहते होते थे, और साबिर और शाकिर दोनों जन्नती हैं। सर मैं अभी तक भूली नहीं आपकी ये बात। सो गाइस, आप लोगों के लिए भी नसीहत है मेरे सर की तरफ से, बीवी सोनी हो और बंदा कोजा हो, ये कोई इतना यानी बुरा कॉम्बो नहीं है। इससे ये होगा कि एक साबिर हो जाएगा और एक शाकिर हो जाएगा, और सब्र शुक्र करने वाले वैसे ही जन्नती हैं। तो जन्नत में तो हमने जाना है ना। सोच लें आप लोग, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थोड़ा सा। ओके, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ, और खाना शाना जो है वो मैंने खा लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, मेरे बस घर जाने का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। तो ये बस यहाँ पे रैक्स वगैरह बने हुए हैं, AC लगे हुए हैं, क्योंकि मेडिसिन पड़ी है तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, और बस मैंने आज सिर्फ मेडिसिन का विज़िट किया है कि क्या क्या पड़ा है, कौन से रैक्स में क्या है और कैसे है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे समझ आएगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। और बस आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के। बस मेरा दिल कर रहा है मैं घर चली जाऊँ, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ओके, फाइनली हमें छुट्टी हो गई है और अब मैं घर जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है, घर जाने का भी अपना ही मजा है। फाइनली हम घर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब का फर्स्ट डे जो है वो बहुत अच्छा गुजर गया है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आगे भी सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही रखे। और ऑलमोस्ट मैं आज सारा दिन थोड़ा फ्री थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, इंट्रोडक्शन हुआ मेरा सबके साथ कि सब लोग कैसे हैं, कौन कौन काम कर रहा है मेरे अंडर, और बस ये वाली सारी चीज़ें हुई यार सारा दिन। और बाकी अब देखते हैं कि कल क्या होता है। यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि मेरी सारा दिन में बस हो गई है, वेले रह के भी बंदा थक जाता है। और अब मैं पीऊँगी पानी, और फिर उसके बाद जो है वो रिमशा मुझे खाना देगी। यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना सारे बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।